दोस्तों कार दुनिया से मैं विनीत फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हुंडई अल्काज़ार में नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, हुंडई अल्काज़ार प्लैटिनम ऑप्शनल 7 सीटर ऑटोमेटिक डीजल में। ये सिर्फ डीजल पे आएगी, पेट्रोल पे नहीं आएगी। पहले प्लैटिनम ऑप्शनल जो है ऑटोमेटिक में दोस्तों सिर्फ 6 सीटर पे आती थी, तो यहाँ पे लोगों की डिमांड आएगी 7 सीटर पे भी होनी चाहिए, तो हुंडई ने इसको 7 सीटर पे भी उतार दिया है। और आज बात करेंगे इस गाड़ी के खासियत की। तो यहाँ पे दोस्तों इसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 19,63,900 रुपीज़, जिसको ऑन रोड यूपी में पड़ती है 22,67,183 रुपीज़ की। तो चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं हुंडई अल्काज़ार प्लैटिनम ऑप्शनल ऑटोमेटिक 7 सीटर को, इस गाड़ी को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक आपके सामने। हुंडई अल्काज़ार में दोस्तों काफ़ी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। यहाँ पर जो आप फ्रंट लुक देख रहे हैं ये सभी वेरियंट्स में देखने को मिलेगा। डार्क क्रोम ग्रिल है, LED हेड लैम्प्स हैं, DRL लाइट्स हैं, LED फॉग लैम्प्स हैं, जो स्किड प्लेट्स हैं ये आपको एज इट इज़ सभी वेरिएंट्स में मिल जाएंगी। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को देखने। तो यहाँ से आप इसके कंप्लीट साइड प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। डायमेंशन स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप कर लीजिए चेक। चलिए देखते हैं इसके व्हील्स को। तो खूबसूरत आपको व्हील्स मिलते हैं, डायमंड कट में 18 इंच के व्हील्स दिए हुए हैं। फुट स्टेप भी देखिए ऑटोमेटिक वेरियंट पर यहाँ पर आ जाता है, तो गाड़ी में ईजिली आप इसके थ्रू बैठ सकते हैं और उतर सकते हैं। बाकी आउटसाइड मिरर्स पर ही साइड टर्न इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत है इस गाड़ी के हैंडल्स, जिसमें क्रोम इंसर्ट किया हुआ है। टॉप पे देखेंगे तो रूफ रेल्स मिल जाएगी इंटीग्रेटेड, इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक देती है। फ्यूल इंटेक एरिया देखिए इस तरफ दिया हुआ है। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के रियर यानी बैक को एक्सप्लोर करने। तो ये देखिए मैं आ गया इसके पीछे की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत हनीकॉम पैटर्न पे LED टेल लैम्प्स। यहाँ पे देखिए अल्काज़ार को कितने खूबसूरत तरीके से एम्बोस किया है, हर जगह पे आपको डार्क क्रोम का यूज़ देखने को मिलेगा। पीछे के बम्पर चेक कर लीजिए, यहाँ पे ट्विन टिप एग्जॉस्ट है, अगेन इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक देते हैं। यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाएंगे, कैमरा मिल जाएगा, और कैमरे में दोस्तों खास बात यह है कि इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। यहाँ पर रियर पर एक कैमरे का लेंस लगा हुआ है। आउटसाइड मिरर्स के नीचे भी यहाँ पर दोनों तरफ कैमरे मिल जाएंगे, और फ्रंट में भी यहाँ पे हुंडई लोगों के नीचे देखिए कैमरा प्लेस किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रंट साइड एंड रियर सब तरफ कैमरे के लेंस है। व्यू कैसा दिखेगा जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको चेक करवा दूंगा। बाकी रियर वाइपर डिफॉगर भी इस गाड़ी में स्टैंडर्ड है, और शार्क फिन एंटीना भी इसमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो दोस्तों आपने देख लिया इस गाड़ी को कम्प्लीट एक्सटीरियर से। चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर को एक्सप्लोर करने। कीज़ आपको मैं करवा देता हूँ चेक। तो दोस्तों इसमें आपको स्मार्ट कीज़ मिलती हैं, हालांकि ये भी स्टैंडर्ड हैं, जिसमें आप लॉक अनलॉक बूट ओपनर और रिमोटली इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है। और जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करूंगा, यहाँ पे स्मार्ट एंट्री बटन भी है। देखिए इसके आउटसाइड मिरर्स बंद हो जाएंगे, और जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा ये देखिए खुल गए, और इसमें देखिए नीचे की तरफ पेडल लैंप्स भी दिए हैं विद अ हुंडई लोगो प्रोजेक्शन, ये भी ऑन हो जाएंगे। तो चलिए अब चेक करते हैं इसके इंटीरियर्स को। तो ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक होने की वजह से इस साइड पे देखिए ऑटो का एम्बलम भी दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स को दोस्तों एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पे देखिए ड्राइविंग साइड का डोर आपके सामने है, जिसमें कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको विंडोज़ के। आउटसाइड मिरर्स को एडजस्ट करने के, फोल्ड करने के बटन्स हैं, और देखिए इसमें बॉस का प्रीमियम साउंड मिलेगा। तो यहाँ पे 8 प्रीमियम साउंड बॉस के लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया आपको म्यूजिक सिस्टम पे साउंड मिलने वाला है इस गाड़ी पे। बाकी यहाँ पे जो है मैप पॉकेट वाटर होल्डर दिए हुए हैं। दोस्तों इसमें स्मार्ट कीज आती हैं, तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, और इसमें पुश स्टार्ट बटन भी दिया हुआ है। तो इस बटन को प्रेस करिए, इग्निशन ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिक वेरिएंट आप देख रहे हैं, देखिए 2 पेडल कार है, ब्रेक को प्रेस करके बटन प्रेस करते तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती। बाकी कॉनियक ब्राउन इंटीरियर आपको देखिए गाड़ी में मिलेगा, ब्राउन एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन इस गाड़ी को बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। चलिए फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी देर में, पहले जरा आपको उसका बूट चेक करवा देता हूं। तो दोस्तों यहां पे देखेंगे तो ये देखिए सबसे पहले सीटिंग ऑप्शन देख लीजिए। तो सबसे आगे की तरफ आपको 2 सीटें मिलेंगी, सेंटर पर यहाँ पर मिल जाएंगी 3 लोगों के बैठने का प्रोविज़न है, और पीछे की तरफ यानी थर्ड रो पे 2 लोगों के बैठने का प्रोविज़न है। इस तरीके से ये बना हुआ है 7 सीटें, और जब सारी सीटें अपनी जगह पर रहेंगी तो यहाँ पे आप बूट स्पेस चेक कर सकते हैं, 180 लीटर्स का दिया हुआ है। अगर आप बूट स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो सीटें हैं इनको आप फोल्ड कर सकते हैं, ये 50-50 स्प्लिट पे हैं। ये देखिए इस तरीके से ये सीटें जो है पूरी आगे की तरफ बेंट हो जाएंगी, और एक बड़ा लगेज स्पेस बन जाएगा। सेकेंड रो सीटिंग भी जो है वो भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी देखिए बॉस का एक सब वूफर लगा हुआ है। बाकी देखिए इस साइड पे बूट लैंप भी मिल जाएगा, और स्पेयर व्हील जो है वो इधर नीचे की तरफ प्लेस किया गया है, जो कि स्टील पे है। दोस्तों चलिए मैं ज़रा इनको वापस अपनी जगह लगा देता हूँ।
अब चलते हैं इस गाड़ी की सेकेंड रो सीट को देखने। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड रो सीट जो है वो तीन लोगों के बैठने के लिए है। इस साइड पे लीवर है, तो वन टिप एंड टंबल आपको ये सीट हो जाएगी, इससे इजीली स्पेस मिल जाएगा इसमें थर्ड रो में जाने के लिए। और बैठते हैं यहाँ पे थर्ड रो में और देखते हैं कितना है कंफर्ट। तो दोस्तों मेरी हाइट है 5'8" और यहाँ पे देखिए इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा थर्ड रो पे कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। इसकी जो सेकेंड रो सीट है वो स्लाइडर है, तो अगर आप थोड़ा सा आगे स्लाइड कर लेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा लेग रूम बन जाएगा। बाकी देखिए डेडिकेटेड एसी वेंट दिया हुआ है, साइड पे यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है, इधर दोनों तरफ कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। ऊपर साइड देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर एक दी हुई है इसकी रीडिंग लैम्प्स। चलिए हम निकलते हैं थर्ड रो से और बैठते हैं इसकी सेकेंड रो में। तो दोस्तों सेकेंड रो में चेक करते हैं कंफर्ट को। तो सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पे एक सेंटर पे एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है, ये देखिए कुशन्स हैं। तो यहाँ पे इसके हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल है जिसमें बढ़िया कुशनिंग्स हैं, तो यहाँ पे अलग से पिलोज लगी हुई हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए रियर एसी वेंट है, एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है। ऊपर साइड पर देखिए यहाँ पर भी एलईडी रीडिंग लैम्प्स दिए हुए हैं दोनों साइड पर। और देखते हैं इसकी, ये देखिए इस तरीके से आप इसकी सीट्स को स्लाइड कर सकते हैं और लेग रूम्स को सेट कर सकते हैं सेकेंड रो के और थर्ड रो के। बाकी यहाँ पे एक ट्रे भी मिल जाएगी, इस तरह की ट्रे है विद अ कप होल्डर। ये देख लीजिए डोर पैनल्स सेकेंड रो के, यहाँ पे भी देखिए पावर विंडोज़ के स्विचेस हैं। और ये देखिए ट्रिम जितने भी आपको मिलेंगे ये सब लेदर बेस्ड है, जितनी भी अपहोल्स्ट्री आप इसमें देखेंगे ये देखिए सब लेदर बेस्ड दी हुई है, यानी लेदराइट पे ये सारी सीटें मिलेंगी, तो प्रीमियम सीटिंग्स आपको इसमें मिलेगी। चलिए दोस्तों चेक करते हैं इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट को। तो इसमें पावर एडजस्टमेंट ये ड्राइविंग सीट दी हुई है, तो अगेन एक प्रीमियम फीचर है। बाकी देखते हैं अंदर की तरफ क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये देखिए मेरे सामने है इस गाड़ी का लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, डी कट दिया हुआ है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स है, साइड पे इंस्ट्रूमेंट पैनल को एडजस्ट करने बटन है, क्रूज कंट्रोल है, और ये देखिए इसमें पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाएंगे ऑटोमेटिक वेरिएंट पे। इस साइड पे देखेंगे जो ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे इसमें फीचर्स दे रखे हैं, और साथ में 6 एयरबैग्स हैं, एक एयरबैग यहाँ पे प्लेस्ड है, दूसरा एयरबैग उधर की तरफ प्लेस किया हुआ है। इसमें बी पैनल्स पे भी एयर बैग्स दे रखे हैं बी प्लस पे, और यहाँ पे देखिए इसमें सीटों में भी ये एयरबैग्स लगे हैं। तो इस तरीके से इसमें 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, साथ में और भी जो सेफ्टी फीचर्स है स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं आप कर लीजिए चेक। यहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करेंगे तो अगेन बहुत ही खूबसूरत है, फुल डिजिटल दिया हुआ है, इसमें देखिए नेविगेशन के टर्म्स भी दिखाएगा, और इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप मिल जाएगा। बाकी म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे तो 10.25 इंच का HD टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन दे रखा है, OTA मैप अपडेट्स हैं, ब्लू लिंक भी दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी इसमें दी हुई है, और साथ में बॉस का प्रीमियम साउंड डेफिनेटली इसके साउंड क्वालिटी को काफ़ी बेटर कर देगा। ऑटोमेटिक AC दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो भी सेट करेंगे वो मेंटेन रखेगा। वायरलेस चार्जर भी दे रखा है, USB चार्जिंग पोर्ट भी इसमें दिया हुआ है। इस साइड पे देखेंगे तो दोस्तों इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल्स आते हैं और साथ में ड्राइव मोड्स हैं, देखिए कंफर्ट, इको, स्पोर्ट, और साइड पे देखिए स्नो, सैंड एंड मड, तीन ट्रैक्शन मोड हैं और तीन ड्राइव मोड्स दे रखे हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक है, तो यहाँ पे आपको एक प्रीमियम फीचर मिल जाएगा, नीचे करिए हैंडब्रेक हट जाएगा, ऊपर करेंगे तो लग जाएगा। ऑटो होल्ड दे रखा है, जैसे ही आप गाड़ी को ऑटो होल्ड पर डालेंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली रुकी रहेगी ब्रेक लगाने के बाद, जैसे एक्सलेट करेंगे वापस हैंड ब्रेक इसका डिसंगेज हो जाएगा। ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर सिस्टम है, गाड़ी चलाते समय इस गाड़ी के कैमरे को आप ऑन रख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कप होल्डर्स हैं। इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे दे रखा है ये एक एयर प्यूरीफायर, तो अंदर केबिन की एयर को एक क्लीन करता रहेगा, अंदर तरफ एक बॉक्स दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर आता है, लाइट जब इस पर पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये डिम कर देगा। इस साइड पर देखिए सनग्लास होल्डर दे रखा है, इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए माइक है ये, उसके लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के समय आपकी आवाज़ यहाँ से जाएगी। और दोस्तों इसमें पैनारोमिक सनरूफ भी आती है, हालांकि ये भी इसमें स्टैंडर्ड है, यानी हुंडई अल्काज़ार के सभी वेरिएंट्स में आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगी। तो फुल साइज़ की सनरूफ है, डेफिनेटली गाड़ी का प्रीमियम फीचर है, देख सकते हैं कितना इसमें ओपनिंग है इसके सनरूफ की, तो अच्छा फीचर है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो इसमें बॉक्स में कूलिंग फीचर भी दिया हुआ है। दोस्तों ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक पे है, जिसमें देखिए
पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव ऑयजा की तरफ स्पोर्ट्स मोड है, तो यहाँ पे आप इसको जब करेंगे तो मैन्युअली गियर्स को चेंज कर सकते हैं, यही काम पैडल शिफ्टर्स भी करते हैं। तो चलिए अब लगाता हूँ मैं जरा रिवर्स गियर, और ये देखिए स्टीयरिंग एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा आएगा, और साथ में देखिए 360 डिग्री व्यू अब आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ईगल आई व्यू है, और साइड से आप इसके कैमरे के मोड्स को चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया फीचर दोस्तों इसमें मिल जाता है। और एक और फीचर है इसमें जो है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है, जिस साइड पर आप इंडिकेटर देंगे, एक मिनट के लिए दिखाता हूँ मैं। ये देखिए मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, राइट का कैमरा ऑन हो गया, लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट का कैमरा ऑन हो गया। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स ये गाड़ी कवर कर लेती है। चलिए दोस्तों देख लिए इस गाड़ी के सारे फीचर्स। प्लैटिनम ऑप्शनल 7 सीटर आई है अभी रिसेंटली। अब ओपन करते हैं इसके बोनट को, देख लेते हैं इंजन को। दोस्तों ये आप देख रहे हैं हुंडई अल्काज़ार का डीजल इंजन, जो कि CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, 4 सिलेंडर बना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है 1493 cc का, मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 115 PS का, 4000 RPM पे टॉर्क है, 250 Nm का 1500 से लेके 2750 RPM तक। ऑटोमेटिक में दोस्तों माइलेज क्लेम किया गया है डीजल में 18.1 km/L में। सो दोस्तों मेरे आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। आपने देखी प्लैटिनम ऑप्शनल ऑटोमेटिक डीजल उनके लिए आई है जिनको चाहिए 7 सीटर में। दोस्तों इस गाड़ी की सारी चीज़ें मैंने आपको चेक कराई। इस गाड़ी और हमारे वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हमारे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कार दुनिया को तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाए। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने रिव्यू में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।